मार्केट में सारे ब्रांड्स के हेयर ऑयल आपने उन्हें ट्राई कर लिया है, बट आपको जो रिजल्ट मिलना था वो तो मिला ही नहीं, और तो और आपके जो बाल है वो और ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। कमज़ोर बेजान बाल, बालों का रीग्रोथ नहीं होना, ग्रे हेयर प्रॉब्लम या फिर स्कैल्प रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए आज का जो ये मैजिकल हेयर ऑयल मैंने बनाया है, किस तरीके से आपको बनाना है, इसके बेनिफिट्स पूरे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो पे देने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज का ये ज़बरदस्त हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई इज़ दी बेस्ट, बिलीव मी, अगर आप कोई भी हेयर पैक वगैरह आप बना रहे हो ना, लोहे की कढ़ाई ही हम आप हमेशा यूज़ किया करो। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है मेथी। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपका रीग्रोथ बिल्कुल घट गया है ना, तो बिलीव मी, अगर आपने मेथी एक हफ्ते तक भी लगाया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट जो आज का इंग्रेडिएंट है वो है ये कलौंजी। कलौंजी का जो बेनिफिट मैं थोड़ा आपको बता देना चाहूँगी, तो सबसे मेन चीज़ जो है इसमें है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी फंगल के प्रॉपर्टीज़, जो कि आपके स्कैल्प रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको ना, तो ये आपके स्कैल्प रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को हटा देगी। लाइक होता है ना बहुत लोगों का कि ईचीनेस हो जाता है या फिर कोई एलर्जेटिक प्रॉब्लम हो जाता है, तो उन सभी को ये बिल्कुल जड़ से हटा देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इन दोनों को मैंने मिक्सिंग जार पे मैंने ले लिया है, एंड उसी के साथ आपको इन चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। पीस इसलिए लेना है क्योंकि जब आप एक चीज़ को पीस लेते हो ना, उसके जो गुण है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने हल्के हाथों से पीसा है, ज़्यादा आपको पाउडरी भी नहीं बना देना है, ठीक है? तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही अच्छे से इन दोनों को पीस लिया है। नेक्स्ट हमारी जो आयरन की जो कढ़ाई है वो गरम हो चुकी है। तो यहाँ मैं इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले लूँगी मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मस्टर्ड ऑयल, वो भी हेयर्स के लिए, ओह माय गॉड, लाइक उसका स्मेल बहुत ज़्यादा वियर्ड सा होता है कुछ लोगों के लिए। मुझे पता है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बट अगर आपको हेयर्स अच्छे चाहिए ना, स्ट्रॉन्गर चाहिए, लॉन्गर चाहिए ना, तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल एक बहुत ही नेचुरल कंडीशनिंग है, ठीक है? अगर आपके बालों से सॉफ्टनेस चली गई है, शाइन चली गई है ना, तो आप मस्टर्ड ऑयल ज़रूर यूज़ करो। इसी के साथ साथ इसमें है मिनरल्स, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपने मस्टर्ड ऑयल को लगाया ना और बहुत ही अच्छे से चंपी किया ना अपने बालों पे, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा। उसके कारण अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ तो आपका जो हेयर ग्रोथ है उसमें भी काफ़ी बदलाव आपको नज़र आएगा, ठीक है? इसी के साथ साथ इसमें है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। अगर आपका स्कैल्प रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें। अगर आपके बालों से ना बहुत ही लाइफलेस हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बिल्कुल शाइन चली गई, नेचुरल सॉफ्टनेस एक जो होता है वो चला गया है, तो ये आपको मस्टर्ड ऑयल से ही मिलने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तेल जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नारियल का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो या फिर ये ऑप्शनल भी है। उसके बाद यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कैस्टर ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस हेयर ऑयल पे, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है हेयर का। इसी के साथ साथ इसमें ना मॉइस्चराइज प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके कारण आपका जो हेयर रूट है उसको बहुत ही अच्छे से ल्यूब्रिकेट करता है, ठीक है? ल्यूब्रिकेट अगर किया तो आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हैं और जो ब्रेकेज है वो बिल्कुल ही कम जाता है। पहले के जो लोग थे ना, वो इस कैस्टर ऑयल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको मस्टर्ड ऑयल की मालिश दी जाती है? क्या आपने सोचा है कि क्यों दी जाती है? क्योंकि मस्टर्ड ऑयल ही एक ऐसा ऑयल है ना, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक बच्चा का ना जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए जो है उनको मस्टर्ड ऑयल की मालिश दी जाती है। तो आप सोच ही रहे होंगे कि आपके स्कैल्प के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो हमारा हेयर ऑयल है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। अब आपको जो स्टेप फॉलो करना है वो है आपको सनलाइट के नीचे इसको डेली रख देना है, एंड ओवरनाइट आपको इसको सोने से पहले अच्छे से चंपी कर लेना है, एंड देन नेक्स्ट डे आपको शैम्पू कर लेना है, ठीक है? इसको आप हफ्ते में दो दिन लगाइए, एंड बिलीव मी आपको रिजल्ट खुद पता चलेगा। एंड आप देख सकते हो जो ऑयल मैंने बनाया है ये बिल्कुल अभी ब्लैक दिख रहा है, और इसको मैं भी बहुत देर तक धूप में रख चुकी हूँ, एंड ये बिल्कुल गर्म हो चुका है।
तो मैंने हेयर ऑयलिंग किया था, मैंने ओवरनाइट रखा था, आप चाहो तो नहाने से 2-3 घंटे पहले भी कर सकते हो। मैंने शैम्पू कर लिया है, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन सा केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करती हूँ मेरा बनाया हुआ, तो लेट मी नो, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। एंड बहुत ही अच्छा शैम्पू है, नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मैं उसको तैयार की हूँ। एंड ये आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी एंड सॉफ्ट लग रहे हैं। आई होप कि आपको आज का ये रेमेडी अच्छा लगा होगा। इस ऑयल को आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा एंड यकीन मानिए आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही।